नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो मदर्स डे स्पेशल है। जी हां, जिसके टॉपिक का नाम है माँ मेरी माँ, तेरी ममता की कीमत कोई भी नहीं चुका पाएगा। माँ मेरी माँ, ये लेखक के कलम से विचार है और लेखक ही कहता है, नहीं चाहिए सोना चांदी, बस एक तेरा दुलार चाहिए, हर जन्म में मैं तेरा पुत्र बनूं, बस बस यही एक मुराद चाहिए। दोस्तों, मातृभाषा, मातृभूमि वे माँ का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए कहा गया है मातृ देवो भव। हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी मातृभूमि भारत, और अपने जन्म देने वाली जननी का कोई विकल्प नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए कहा गया है मातृ देवो भव। दोस्तों, कहा गया है कि जो मातृभूमि है उसकी रक्षा यदि प्राण देके भी करनी पड़े तो प्राण न्योछावर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। मातृभाषा का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। और रही बात माँ, अरे माँ तो सबसे बड़ा भगवान है, भगवान से बड़ा दर्जा माँ बाप का दे रखा है, यानी माँ बाप से बढ़ के तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। चलते हैं दोस्तों माँ मेरी माँ की स्लाइड की तरफ। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभाषा वे माँ का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, इसलिए कहा गया है मातृ देवो भव। आपको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। प्रेम, सौम्यता, संस्कारिता, मृदुता, वात्सल्यता, दया, करुणा, ममता, उदारता, अपनापन, विशालता, क्षमा, सहनशीलता, मिठास, मधुरता, सरलता, सहजता, सभी कुछ तो है माता पिता में। ये सब माता पिता के ही तो पर्यायवाची शब्द है। यदि माँ शब्द पूर्ण ग्रंथ है, महाविद्यालय है, ये मंत्र बीज है, हर सृजनता का आधार है, मंत्र तंत्र यंत्र के सफलता की नींव भी है माँ। जिसे कोई उपमा ना दी जा सके उसका नाम है माँ, जिसके स्नेह की कोई सीमा नहीं है उसका नाम है माँ, जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श ना कर सके दोस्तों उसका नाम है माँ। ऐसी तीन माताएं हैं जिसे परमात्मा, महात्मा, माँ कहा गया है, उनको मेरा नमन है दोस्तों। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माता पिता का प्यार भूल जाते हैं। माता पिता का दिल दुखा कर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है, पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। दुनिया में सब कुछ तुझे मिल जाएगा, ना मिलेगा तो केवल माँ की ममता का साया ना मिल पाएगा। बचपन में पहला शब्द तो तूने माँ बोला था, तभी तेरी माँ का मन एक मोरनी बनकर डोला था। तेरे पीछे तो पागल बनी थी, ममता की छांव का बादल बनी थी, ऐसी माँ को भूल ना जाना, ममता के कर्ज को है तुझे चुकाना। माँ तेरे दूध का हक तुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। जब तूने धरती पर पहली सांस ली तब तेरे माता पिता तेरे पास थे, जब तूने धरती पर पहली सांस ली तब तेरे माता पिता तेरे पास थे, और जब माता पिता अंतिम सांस ले तब तू उनके पास रहना दोस्तों, यही लेखक की आशा तुम लोगों से है। मेरी ख्वाहिश है, जी हाँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि फिर से बच्चा हो जाऊँ। जब छोटा था माँ की सैया गीली करता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आँखें कभी गीली मत करना। जो मस्ती आंखों में है मदिरालय में नहीं, अमीरी दिल में है किसी महल्ले में नहीं, शीतलता पाने के लिए कहाँ भटकता है मानव, जो माँ की गोद में है वह हिमालय में नहीं। माँ पहले आंसू आते थे और तू याद आती थी, माँ पहले आंसू आते थे और तू याद आती थी, आज तू याद आती है और आंसू आ जाते हैं। जीवन के अंधेरे पथ में सूरज बनकर रोशनी करने वालों, माँ बाप की जिंदगी में अंधकार कभी ना फैलाना। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म कर्म आंसू में बह जाएगा। माँ क्या है, यदि मैं इसके बारे में बोलूं तो संसार का कोई शब्द माँ के लिए परिभाषित नहीं कर सकता। अनंत है माँ, कहने लायक कोई शब्द माँ के लिए नहीं है।
समुद्र ने कहा, माँ एक ऐसी हस्ती है जो औलाद के लाखों राज अपने सीने में छिपा लेती है। दुआ ने कहा, माँ वो हस्ती है जो हर वक्त औलाद के लिए दुआ मांगती रहती है। जन्नत ने कहा, माँ वो हस्ती है जिसे मैं स्वयं भी उसके कदम चूमता हूँ। घर ने कहा, माँ वो हस्ती है जिसके बिना मैं वीरान हूँ। खुशबू ने कहा, माँ वो हस्ती है जिसकी खुशबू से सारा जहाँ महक जाता है, पर मैं सिर्फ यही कहता हूँ, माँ सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्करा दे तो जन्नत मिल जाए। प्रेम को साकार करने का मन हुआ और माँ का पृथ्वी पर सर्जन हुआ। जिंदगी में दो लोगों को बहुत धन्यवाद रखना दोस्तों, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, यानी तुम्हारे पिता, तुम्हारा आसमान, दूसरा जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो, यानी तुम्हारी माँ। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ तूने तीर्थकर को जना, संसार तेरे ही दम से बना है, तू मेरी पूजा है, मन्नत है, तेरे ही कदमों में मेरी जन्नत है। चार वर्ष का लाडला यदि तेरे प्रेम की प्यास रखे, जी हाँ, चार वर्ष का लाडला यदि तेरे प्रेम की प्यास रखे, तो 50 वर्ष के तेरे माता पिता तेरे प्रेम की आस क्यों ना रखे। टीट फॉर टैट, वो भी तुमसे वही चाहते हैं जो बचपन में आप अपने माता पिता से चाहते हैं। अब वो सीनियर हो चुके हैं, वो बच्चे बन चुके हैं और तुम माँ बाप बन चुके हो, अब उनको सख्त तुम्हारी ज़रूरत है। बचपन में तुझे उंगली पकड़कर जो माता पिता स्कूल ले जाते थे, बचपन में तुझे उंगली पकड़कर जो माता पिता स्कूल ले जाते थे, उन माता पिता के बुढ़ापे में तू सहारा बनकर मंदिर उन्हें ले जाना, शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज, थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। माता पिता के आंखों में 2 बार आंसू आते हैं दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि माता पिता के आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, लड़की घर छोड़े तब और लड़का मुंह मोड़े तब। बचपन में गोद में खिलाने वालों को बुढ़ापे में दगा देने वाला मत बन जाना दोस्तों, बचपन में खूब गोद में खिलाया उसने आपको, उनके साथ बुढ़ापे में कभी दगा मत करना, क्योंकि माँ और बाप का ऋण कोई अदा नहीं कर सकता, साक्षात देवता भी आ जाए तो भी माँ बाप का ऋण कोई अदा नहीं कर सकता। और जब भी दिल ऐसा करे तो इन जानवरों को देख के कहना कि हमसे तो शायद जानवर ही अच्छे हैं जो अपने बच्चों को गले से लगाए रखते हैं, अपने माँ बाप को अपने से दूर नहीं करते, जैसा कि इस फोटो में दिखा रखा है, किस तरह से स्तनपान करा रहा है बंदरी अपने बंदर के बच्चे को। बिल्कुल, हमने भी बचपन में इसी तरह से उसका दूध पिया है, माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकते अपने, यदि शरीर की एक एक बोटी बोटी करके उसकी माला भी बना दी जाए तो भी माँ का दर्द, माँ का कर्ज कभी चुकता नहीं होता। लेकिन एक माँ कभी ये नहीं चाहती कि अपने बच्चों की शरीर की बोटी बोटी की माला पहने। माँ तो वो शब्द है दोस्तों जिसको मैं खुद स्वयं अभी इस समय बयान नहीं कर पा रहा हूँ। माँ के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि माँ ने बनाया, पिता ने पहचाना। माँ ने शब्द दिए तो पिता ने अर्थ दिया, माँ ने विचार दिए तो पिता ने स्वतंत्रता दी, माँ ने भक्ति दी तो पिता ने वृत्ति दी, माँ ने शक्ति दी पिता ने नीति दी। इसी के बल पर आज हमारी पहचान है। माँ बाप का अपमान नहीं अभिमान करो दोस्तों, क्योंकि उनकी कमी कोई नहीं पाट सकता, ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। दुनिया में किसी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इसी के बल पर आज हमारी पहचान है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही कहूँगा, ए मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। माँ मेरी माँ, लव यू मॉम, एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे दोस्तों। यदि इस वीडियो के दौरान कोई शब्द मेरे से ऐसे लगे कि आपके आत्मा को छुए तो मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं खुद मेरे आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। आई लव माई मम, आई लव माई मम।